नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू होती। जबलपुर जिला प्रशासन ने महंगी किताब कॉपियों का विक्रय करने वाले दुकान संचालकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। जिला प्रशासन द्वारा की पुस्तक विक्रेताओं पर की गई कार्रवाई पर अब सवालिया निशान लग रहा है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच द्वारा जिला प्रशासन इस कार्रवाई पर संदेह किया जा रहा है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के लोगों का कहना है कि वर्ष 2020 में एक नियम बनाया गया था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल बच्चों की फीस और पुस्तकों के बारे में जानकारी स्कूल के पोर्टल पर 3 माह पहले अपलोड करना होता है। जबलपुर के जिला प्रशासन ने किसी भी स्कूल का पोर्टल खोल कर नहीं देखा। जबलपुर के मात्र 55 स्कूलों पर कार्रवाई कर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसी प्रकार 22,000 किताबों को जब्त किया गया, लेकिन उन पर जुर्माना नहीं लगाया है। प्रदेश के उज्जैन और हरदा जिला कलेक्टर ने इन स्कूलों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है, लेकिन जबलपुर का जिला प्रशासन इतना सुस्त है कि उसने अभी तक किसी भी स्कूल और पुस्तक विक्रेताओं पर जुर्माना नहीं लगाया है। नागरिक उपभोक्ता मंच के लोगों का कहना है कि अगर जिला प्रशासन ने एक के भीतर कार्रवाई नहीं की तो वे इस मामले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने लेकर जाएंगे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। अधिनियम निकला है वर्ष 2017 में और उसके नियम 2020 में जाहिर किए गए हैं। नियम के तहत यह कहा गया है कि यदि मान लीजिए स्कूल के फीस यदि बढ़ाई जाती है, किताबों की यदि मान लीजिए कुछ गलती है, तो उसकी पूरी जानकारी हर स्कूल को अपने पोर्टल पर रखना चाहिए। 90 दिनों के पूर्व रखना चाहिए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पर 3 महीने पहले। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिला प्रशासन इतना सुस्त पड़ा है कि उन्होंने किसी का भी पोर्टल खोल के दे दें। यहाँ पर केवल 55 स्कूलों को नोटिस जारी करके चुप बैठ गए हैं, 22,000 किताबें जब्त करके चुप बैठ गए हैं। इसी के उल्टे उज्जैन कलेक्टर ने 18 अप्रैल को 3 स्कूलों पर 2,00,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि 16 और स्कूल ऐसे हैं तो वो उनके ऊपर जुर्माना ठोकेंगे। मुझे कल और पता लगा है कि हरदा के कलेक्टर ने भी इसी प्रकार का जुर्माना निजी स्कूलों पर छोड़ा है। हम ये चाहते हैं कि यदि मान लीजिए 7 दिनों के भीतर जबलपुर जिला प्रशासन उज्जैन के तर्ज पर भी कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग इसका पूरे मामला माननीय हाईकोर्ट के समक्ष रख देंगे। संगठनों के द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन किया जा रहा है, इसका संदर्भ पहले भी हमारे अफसर साहब ने ज्ञापन दिया था। उसमें जो किताबें सीज की गई है जिनकी कीमत ज़्यादा है उसकी कार्रवाई की गई है, लेकिन किसी प्रकार का दंड नहीं दिया गया है। उज्जैन और देवास के कलेक्टरों ने 2,00,000 रुपये का आर्थिक दंड दिया है इसी संदर्भ में, इसी विषय पर, जिन्होंने किताब की कीमतों ज़्यादा ली है लोगों से। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हमारे जबलपुर ज़िले में भी इस प्रकार की कार्रवाई हो, आर्थिक दंड दे या दूसरी कोई कार्रवाई की जाए जिससे कि एक पुस्तक वाले और प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं इन पर असर पड़े और पालकों को आर्थिक दंड न भोगना पड़े। धन्यवाद। ठीक है, राय घटक, भारतीय वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन, जबलपुर। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।